उनके चैनल से जुड़े रहने और नए आने वाले वीडियोस के अलर्ट हासिल करने के लिए नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब बटन और घंटी के आइकन को एक एक बार जरूर दबा दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिले एहतराम टीचर्स, हिंदुस्तान के एक गांव के अंदर एक छोटा बच्चा रहता था। ये छोटा बच्चा आम बच्चों जैसा था, उसका बचपन आम बच्चों जैसा था, लेकिन उसके खेल ऐसे होते थे कि वो अपने इलाके की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव के बच्चों को जमा करता, उनकी एक फौज बनाता और एक आपस के अंदर वो जंगों की का खेल खेलते। और यही बच्चा आगे चलकर पहले अपने इलाके का, फिर अपने रियासत का, और एक वक्त आया कि वो हिंदुस्तान का बादशाह बना। उसने बाबर के बेटे हुमायूं को शिकस्त दी और हिंदुस्तान के तख्त का हकदार ठहरा। उसने सिर्फ 4 साल हुकूमत की और इन 4 सालों के अंदर उसने इतने तरक्याती काम करवाए कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे आमतौर पर जीटी रोड जाना जाता है, ऐसे 4 रोड उसने बनवाए। और अपने इस 4 साल के दौर की वजह से और अपने तरक्याती कामों की वजह से वो हिंदुस्तान की तारीख का एक सुनहरा बाप बन गया। काबिले एहतराम टीचर्स, ये दास्तान है ऐसे लोगों की जिनके कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कोई मिशन होता है, कोई एम होता है, कोई मकसद हयात होता है। ये वो लोग होते हैं जो न सिर्फ अपने शब रोज को बदल देते हैं, अपनी तारीख को बदल देते हैं, बल्कि दुनिया की तारीख को भी बदल दिया करते हैं। तो हमने सिर्फ एक मिसाल बात की, शेरशाह सूरी। ऐसी दुनिया ऐसी मिसालों से भरी भरी पड़ी है, ऐसे सैकड़ों हजारों मिसालें हैं जिनके हम नाम ले सकते हैं, जो किसी टाइम के ऊपर बहुत ही कष्टमाखुशी की जिंदगी बसर किया करते थे, लेकिन सिर्फ अपने ख्वाबों की वजह से, अपने ऑब्जेक्टिव्स की वजह से, अपने ड्रीम्स की वजह से और अपने मिशन की वजह से उन्होंने जिंदगी की, अपनी जिंदगी को बदल के रखा। ऐसे कुछ नामों के अंदर हम ऐसे बेशुमार हमारे से नाम ले सकते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो इतना बड़ा नाम है मुसलमानों और ईसाइयों की तारीख के अंदर, वो फर्द नूरुद्दीन जंगी का उपराग हुआ करता था। तैमूर रंग, जो मुसलमानों का आखिरी सबसे बड़ा बादशाह था, जिसके पास सबसे ज्यादा बड़ी और आखिरी हुकूमत थी मुसलमानों की, वो जो मंगोलों के एक कमतर तातारी नस्ल से ताल्लुक करता था, और उसने सिर्फ कमतर नस्ल तातारी से ताल्लुक, तातारियों से ताल्लुक होने की वजह से खुद को कभी भी कोई बादशाह नहीं लिखा। उसके नाम के साथ सिर्फ अमीर तैमूर लिखा जाता। इसके बाद, इसके अलावा हम बिल गेट्स की बात कर लें, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है। हम स्टीव जॉब्स की बात कर लें, जो कि एप्पल कंपनी का मालिक है। हम बरक व्यास की बात कर लें, हम मेहंदी हसन की बात कर लें, हम अमिताभ बच्चन की बात कर लें। ऐसे सैकड़ों मिसालें हम नाम दे सकते हैं। किसी वक्त पर ये लोग भी स्ट्रगलर हुआ करते थे। इनको इनकी जिंदगी नहायत कष्टमकुशी के अंदर गुजरा करती थी। इन लोगों पर ऐसी भी रातें आई कि जब इन्होंने इन अपनी रातें जो है वो सड़कों के ऊपर गुजार। इनके पर ऐसे दिन भी आए कि इनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। इनके पास ऐसे दिन भी आए कि अपने बच्चों के इलाज करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। इनके पास ऐसा वक्त भी आया कि इनके पास किराया अदा करने के लिए अपने मकान का पैसे नहीं होते थे, लेकिन इनके ख्वाब, इनकी ऑब्जेक्टिव्स, इनके मकासिद के साथ जो लगन थी, उन्होंने इस काबिल बना दिया कि ये आज दुनिया के सितारे, दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो मिशन वो चीज हुआ करती है जिसके ऊपर चलकर जो एक इंसान को एक सिम्त देती है कि उसने किस तरफ जाना है। आज हमने इसी मौजू के ऊपर बात करनी है कि मिशन एंड विजन, स्कूल्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, कि किसी फर्द की जिंदगी में मिशन और विजन का क्या किरदार हुआ करता है। काबिले एहतराम टीचर्स, मिशन से मुराद होती है, इसको हम मायनी लफ्ज के तौर पर ले सकते हैं, एम, टारगेट, ड्रीम, ऑब्जेक्टिव और मकसद हयात के तौर पर।
किसी भी फर्द की जिंदगी के अंदर मकसद हयात, उसके एम्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स का नहायत ही नुमाया रोल हुआ करता है। अगर कोई इंसान उसकी सिमती ना हो, उसको पता ही ना हो उसने जाना कहां पर है, तो वो कैसे अपनी एक डायरेक्शन के अंदर अपनी जिंदगी का सफर तय करेगा। एक बार उसको पता हो मैंने कराची जाना है, तो वो लाजमी तौर पर कराची की ही सिमत पर अपने सफर का आगाज करेगा। वो थोड़ा चलेगा, ज्यादा चलेगा, थक के आराम करेगा, लेकिन फिर भी अगर अपनी सिंह के ऊपर ही सफर करता रहेगा तो एक टाइम आएगा कि वो जरूर कराची पहुंचेगा। जितना सफर करेगा वो अपने सफर को कम करता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि वो जरूर कराची पहुंचेगा। लेकिन ऐसा फर्द जिसकी जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव ना हो, कोई मिशन ना हो, कोई मकसद ना हो, वो कभी दो कदम शुमार को जाता है, दो कदम कभी मछली को जाता है, दो कदम कभी मगरी को जाता है, और दो कदम कभी बुजुर्गों की तरफ जाता है। वो उसका सफर एक दायरे की सफर की तरह विजन और मिशन की स्कूल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए क्या अहमियत है। अगर किसी स्कूल को ये वादे ना हो कि उसका मिशन क्या है, उसके मकासद क्या है, कि उन्होंने स्कूल क्यों खोला है, कि आया वो किसी अपने स्कूल के अंदर एलीट्स के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आया वो अपने स्कूल के अंदर गरीबों के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आया ये स्कूल एक वेलफेयर स्कूल होगा, आया ये स्कूल एक इस्लामी स्कूल होगा, आया ये स्कूल एक मॉडर्न स्कूल होगा, आया ये स्कूल एक लिबरल और सेकुलर स्कूल होगा, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो स्कूल उस सिंह के अंदर सफर नहीं कर सकेगा। तो ये जरूरी है कि एक मिशन तय किया जाए स्कूल के लिए, एक स्कूल, ये जो स्कूल है इसका मिशन क्या होगा और इसने किस कैटेगरी के अंदर किस लिहाज से किस तरह से काम करना है। यही चीज एक टीचर की जिंदगी के लिए है कि अगर एक फर्स्ट टीचर बना है, अगर एक फर्स्ट टीचर है, उसको ये तय ना हो कि उसने अपनी जिंदगी के अंदर क्या करना है, उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को एक सिंत नहीं दे सकता, अपने स्टूडेंट्स को भी इसके लिए तैयार नहीं कर सकता कि उनकी जिंदगी का कोई मकसद हो। तो लिहाजा एक टीचर को भी अपने लिए एक मिशन तय करना चाहिए कि उसकी उसकी जो टीचिंग है उसका मकसद क्या है। जब उसकी एक टीचिंग का मकसद होगा तभी उसकी टीचिंग जो है वो एक मीनिंगफुल बनेगी, तभी उसकी टीचिंग जो है वो बामकसद बनेगी, तभी उसकी टीचिंग के अंदर एक निखार आएगा, एक स्पिरिट पैदा होगी। अगर ये मकसद नहीं होगा तो एक टीचर टीचर नहीं बन सकता। एक टाइम पास तो हो सकता है कि साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर कोई मीनिंग नहीं होगी, उसके अंदर कोई मकसदियत नहीं होगी, उसके अंदर कोई आउटपुट नहीं होगी। वो अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसा ही एक दायरे के अंदर सफर करवाता रहेगा, एक दायरे के अंदर लेके चलता रहेगा, और उसका जो आउटपुट मिलेगा वो कि सफर कितना तय किया वो जीरो से चलेंगे और जीरो पर ही खड़े होंगे। इसी तरह से अगर स्टूडेंट की जिंदगी के अंदर भी मिशन की बेइंतहा अहमियत होती है, अगर एक स्टूडेंट को अंदाजा ही ना हो कि मैंने किधर जाना है, मैंने क्या बनना है, मैंने किस सिंत के अंदर सफर करना है, तो वो स्टूडेंट भी जो है एक ला हासिल का के अंदर, एक दायरे के अंदर सफर करते रहेंगे। तो मिशन वो चीज है जो किसी इंसान की मंजिल का तायुन करती है। किसी स्टूडेंट का मिशन डॉक्टर बनना भी हो सकता है, किसी स्टूडेंट का मिशन इंजीनियर बनना भी हो सकता है, किसी स्टूडेंट का की लाइफ का मिशन सियासतदान बनना भी हो सकता है, किसी स्टूडेंट की लाइफ का मिशन साइंटिस्ट बनना भी हो सकता है, किसी स्टूडेंट्स की जिंदगी का मिशन सोल्जर बनना भी हो सकता है, किसी स्टूडेंट्स की जिंदगी का मिशन टीचर बनना भी हो सकता है, बिजनेसमैन बनना भी हो सकता है। तो जो भी स्टूडेंट जो बनना चाहता है अगर वो उसको क्लियर होगा तो वो अपनी उसी सीट के अंदर सफर करेगा। तो लिहाजा मिशन वो चीज है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, हर एक फर्द के लिए पहले से ये तय होना जरूरी है कि उसने क्या बनना है, उसका मिशन है क्या, उसका टारगेट है क्या, उसके ड्रीम्स हैं क्या।
अगर ये तय होगा तो उसी सिंध के अंदर सफर किया जाएगा, और जब एक सिंध लेकर सफर किया जाएगा तो सफर कटता जरूर है, सफर तय होता जरूर है। कोई मशहूर मकबूला है कि ड्रीम्स वो नहीं होते जो हम ख्वाब में देखते हैं, ड्रीम्स वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर हमें हमारे ड्रीम्स हमारे क्लियर होंगे तो फिर हम उसी तड़प के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी लगन के साथ काम करेंगे, और जब हमारे पास कोई सिंध नहीं होगी तो फिर हम हमारे अंदर तड़प भी नहीं होगी, एक लगन भी नहीं होगी, और हमारे हमारे हम एक बेहतर अंदाज के अंदर काम भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये जरूरी है स्कूल्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, तलबा के लिए भी, कि वो अपना एक एक मिशन मुतय्यन करें और फिर अपने सफर को किसी सिंध के अंदर लेकर चले। जो शुरू में हमने बात की कि जिंदगी की भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने, जिनके पास अभी कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी इस तड़प ने, इस ड्रीम्स ने और अपने मकासद की तरफ ही सफर करने ने आज उनको एक दुनिया के अंदर एक ऐसा मकाम बना दे दिया कि आज वो एक चमकते हुए सितारे हैं, आज वो एक चमकते हुए रोशन सितारे हैं सारी दुनिया के लिए, आज चमकते हुए मीनार है दुनिया के, लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं। तो लिहाजा हम टीचर्स की भी ये जिम्मेदारी है कि ये तड़प, ये सोच हम अपने तलबा के अंदर भी मुंतकिल करें, और अगर हम अपने तलबा को इस काबिल बना देते हैं, उनके अंदर ये सोच पैदा करते हैं, तो ये हमारी टीचिंग को इस चैनल से जुड़े रहने और नए आने वाले वीडियोस के अलर्ट हासिल करने के लिए नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब बटन और घंटी के आइकन को एक एक बार जरूर दबा दें।